नमस्कार, लोकमत news.in के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति सिंह। आइए डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर एक नज़र। इराक में मारे गए 39 भारतीयों की मौत पर केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। कश्मीर में हुए एनकाउंटर के विरोध में शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर बवाल, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बायकॉट पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेगा SC/ST एक्ट पर अपना फैसला, 10 दिन बाद अगली सुनवाई। अमेरिका में यूट्यूब हेडक्वार्टर में गोलीबारी, संदिग्ध महिला की मौत, 4 घायल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री OP राजभर के बेटे पर बाइक सवार हमलावरों ने किया हमला। इस महीने के अंत तक आ सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट, 5 अप्रैल तक जांची जाएंगी कॉपियां। वित्त मंत्री जेटली से माफी मांगने के बाद BJP विधायक ने लगाए सड़कों पर केजरीवाल के यू टर्न पोस्टर। आज है 70 और 80 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री परवीन बॉबी की जयंती। अपने बोल्ड लुक से उन्होंने चेंज कर दी थी बॉलीवुड एक्ट्रेस की इमेज। बोले अमित शाह, नरेंद्र मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में कराएगी OBC विधेयक पारित। सहवाग ने पिटाई से मरे आदिवासी की मां को भेजे 1.5 लाख, दिखाया वे बस बोलते नहीं करते भी हैं। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें लोकमत news.in के साथ।